नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नए धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आप कहोगे, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। जी हाँ, क्योंकि देखिए मेरे पास यहाँ पर आपके लिए आपको फाइनल वीडियो यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद आपका 10वीं कक्षा का हिंदी का कोई भी वीडियो अपलोड नहीं होगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पर आपके दोनों सेटों, सेट ए और सेट बी, आपके दोनों सेटों के सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ। पूरा ए टू जेड सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, फुल एंड फाइनल आपका वीडियो यहाँ पर रहने वाला है। आपको मैंने पहले ही कह दिया था, यदि आप दोनों सेटों को आप तैयार कर लेते हो, यदि आप दोनों सेटों के, यदि आप यहाँ पर अथवा सही, ठीक है, अथवा सही यदि आप प्रश्न को तैयार कर लेते हो, तो आपको यहां पर बिल्कुल 75 में से 75 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको दोनों सेटों को आपको यहां पर तैयार कर लेना है, एक भी सेट को आपको नहीं छोड़ना है। मैं आपको गारंटी देता हूं, यह आपका 100% रियल पेपर है। सारी कोडिंग आप यहां पर देख सकते हैं, हिंदी 400 400 क्या है आपका सब्जेक्ट कोड है, यहां पर 7 पेज है, ठीक है, इसमें और इसमें भी आपके 7 पेज है। तो आप जो है पूरा पेपर यहां पर आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। यदि आप इसे पूरा रट लोगे तो आप 75 में 75 नंबर लेकर आप भौकाल मचा दोगे। और वीडियो के आगे मैं आपको यही बताऊंगा कि आप इसका पीडीएफ किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि देखिए मैं 1 घंटे बाद इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा, क्योंकि कोई आता पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1 घंटे बाद वीडियो डिलीट। इसलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, धड़ाधड़ बारिश करवा दीजिए, छप्पड़ फाड़ के इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए, छप्पड़ फाड़ के इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब भी वीडियो आपका डिलीट हो जाएगा, फटाक से आप देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें बी सेट का तो पूरा जुगाड़ है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही था, मैं जो पूरा यहाँ पर प्राप्त है और पूरा सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। लेकिन जो आपका ए सेट है, ए सेट में हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जुगाड़ नहीं हो पाया है, सिर्फ आपके प्रश्न 6 से लेकर 23 तक का जुगाड़ यहाँ पर हो पाया है। तो आपको टेंशन कोई भी नहीं लेना है। देखिए ऑब्जेक्टिव आपको स्कूल में पता चलाते हैं, आपके टीचर लोग आपको बता देते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अंदर के क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्योंकि अंदर के क्वेश्चन को आपको स्वयं पढ़ना पड़ता है। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देर यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आइए यहां पर हम देखते हैं, यहाँ पर आपको जो पूरा एक तरफ से जो है पूरा सॉल्यूशन आपको दिखा दूंगा, बोलूंगा मैं कुछ नहीं, आपको सिर्फ देखते जाना है। और वीडियो का यदि आपको पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड करना है, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ की लिंक का इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके बहुत आसानी से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि पीडीएफ डाउनलोड करने में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो पीडीएफ के लिंक के नीचे एक वीडियो की लिंक मिलाएगी, उस वीडियो में बताएगा ट्रिक का उपयोग करके आपकी जो प्रॉब्लम है वह खत्म हो जाएगी। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं सारे, फटाफट मैं आपको सारे आंसर दिखाऊंगा ताकि आप देख सकते हैं ना, ज़्यादा मैं यहाँ पर आपको सब्र नहीं कराऊंगा। वीडियो को पोस्ट करके आप जो है आंसर को फटाफट रख लीजिए, अभी भी आपके पास 3 घंटे का समय है, बहुत मौका है, अभी 3 नहीं 4 घंटे का समय आपके पास है ना। अब इसके बाद देखिए आपका ये यहां से, फिर इसके बाद ये आपका नेक्स्ट, बहुत ही तेज आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अब आप यहाँ पर जो है पहले एक क्वेश्चन, एक तरफ से पूरे क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आपको इनके एक तरफ से पूरे आंसर मैं आपको दिखाऊंगा। क्वेश्चन का रिव्यू आप कर लीजिए।
चलिए अब मैं आपको इसके जो है पूरे आंसर आपको एक तरफ से यहां पर दिखाने वाला हूं 5 मिनट के अंदर में। इसको मैंने रखा साइड में, अब मैं खोलता हूं अपने मोबाइल, इसकी ब्राइटनेस करता हूं तेज और अब आपको मिलेगा इसका फुल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइए आप इसका यहां पर सारे प्रश्नों के उत्तर एक तरफ से आपको दिया जा रहा है। तो आप मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर सारे उत्तरों को देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं रहेगी। तेरे ख्यालों में खोया रहूंगा, तू है सनम मेरी मैं ये कहूंगा, तेरे लिए मुझे भेजा है रब ने। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, वो बेवफा है एक बेवफा है, हाँ दिल रुबा है एक दिल रुबा है, मेरी उल्फत मेरी फना है, मेरी उल्फत मेरी फना है, एक दिल रुबा है हाँ दिल रुबा है, एक दिल रुबा है। जी करता है तेरे जुल्फों से खेलूं, जी करता है तुझे बाहों में ले लूं, मैंने सनम तुझे प्यार किया है, सिर्फ तेरा इंतजार किया है, मेरे लिए तुझे भेजा है रब ने, सारे जमाने से मैं ये कहूंगा। मैं तो तेरे नाम लिखूंगा, प्यासी ये कहानी एहसास की, मैं तो तेरे नाम लिखूंगा, प्यासी ये कहानी एहसास की, मिलना हो तो ऐसा हो सदियों तक ना दूरी हो, मैंने बरसों किया इंतजार ओ दिलदार, बेकरारी में भी आया करार के दिल पर तसी हो गया, ओ हमें तुमसे हो गया प्यार।
चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर आपका सेट बी सॉरी सॉरी सेट आई का संपूर्ण हल। तो देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर, ये प्रश्न 6 का उत्तर आप देख सकते हैं। अब प्रश्न 7वां है आपका यहाँ पर, स्मृति को पाथ बनाने से कवि प्रसाद जी का क्या आशय है अथवा कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। तो इसका प्रश्न 7वां का और उसका अथवा का उत्तर आप स्क्रीन पर, मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो को पोस्ट करके आप सारे आंसर को याद करते जाइए या फिर पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड करने के लिए आपको पीडीएफ की लिंक इस वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके बहुत आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि पीडीएफ डाउनलोड करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो पीडीएफ के लिंक के नीचे एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो में बताए गए ट्रिक का उपयोग करके आपकी जो प्रॉब्लम है वह खत्म हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आप देखिए प्रश्न 8वां में दिया है यहाँ पर, पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं अथवा प्रयोगवाद की कोई दो विशेषताएं या फिर प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो इसका उत्तर भी आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9, यहाँ पर सूरदास के साहित्य का भाव पक्ष लिखते हुए दो रचनाओं के नाम लिखिए और इसका अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो इसका उत्तर भी आप मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां हमें दिया है कि दोहा छंद का उदाहरण लिखिए और इसका अगला क्वेश्चन है, विभाव और अनुभाव में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब प्रश्न क्रमांक 11वां का उत्तर आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 12वां, गद्य किसे कहते हैं और इसका दबा है निबंध किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर भी आप मेरे मोबाइल पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13, रिपोर्टाज किससे कहते हैं अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी की भाषा शैली एवं दो रचनाओं के नाम लिखिए। यहाँ सच होंगे सपने, मिलेंगे ढेर भी अपने। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14वां, सेनाई को
सेनाई को सुधीर वाद्य में शाह की उपाधि क्यों दी गई है? इसका जवाब है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्ला खान को व्यथित करते थे? सो प्रश्न 14 का उत्तर आप मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ला 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 la 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 क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, क्यों किसी को हंसी के बदले हंसी नहीं मिलती, क्यों किसी को दुआ के बदले दुआ नहीं मिलती, ये प्यार में क्यों होता है, ये प्यार में क्यों होता है, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। लोग क्या सिक्के हुए मिट गए कभी, फिर जुदा हुए बेकरार में इंतजार में, चैन घट रहा तेरे प्यार ला 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 कितना रुलाए बेकरारी जलाए चिनिक पलना चिनिक पलना, लोग इश्क में क्या से क्या हुए मिट गए कभी मिल गए कभी, फिर जुदा हुए बेकरार में इंतजार में, चैन घट रहा इंतजार में, ला 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 ला। हे दुष्ट बालक, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या करे, हो गया है किसका है ये तुमको, किसका है ये तुमको इंतजार में होना, देख लो इधर भी एक बार में होना,
किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ तेरे इश्क का छाया खुमार के दिल पर दिसने में हमें तुमसे हो गया प्यार के दिल परदेसी गया। मैं तो तेरे नाम लिखूंगा बस ये कहानी है सांस में। मैं तो तेरे नाम लिखूंगा बस ये कहानी है सांस की। मिलना हूँ तो ऐसा हो सदियों तक ना दूरी हूँ। मैंने बरसों किया इंतजार हो दिलदार बेकरारी में भी आया करार के दिल परदेसी हो गया। अब देखिए प्रश्न 23 पर जो आपका क्वेश्चन है उसे आप बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये आपका फुल सोल्यूशन रहा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।